हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है, भारत में आर्थिक बहाली और उसके आकार की बात की जा रही है। तो देखेंगे आखिर की चर्चा का कारण क्यों बना हुआ है, इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। अन्य एजेंसियां भी जो कह रही हैं कि आपका जीडीपी है, यानी कि आर्थिक विकास दर है, उसे घटाने की बात कर रही हैं, घटने की, तो उस पर भी बात करेंगे। आर्थिक रिकवरी का आकार क्या हो सकता है, चुनौतियां क्या हैं इसमें, और आगे की राय क्या हो सकती है, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं चर्चा का एक कारण क्यों बना हुआ है हाल में। क्योंकि हाल में विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को जबरदस्त झटका दिया है। इससे देश की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन 1991 के उदारीकरण के बाद सबसे खराब रहेगा। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट में कहा है कि 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर 1.5 से 2.8% के बीच रहेगी। और वैसे आप लोग याद रखिए, कोई भी देश हो, विश्व का कोई भी देश अभी आपका कोरोना महामारी से नहीं बचा हुआ है। वैसे हर देश की अर्थव्यवस्था कुछ जबरदस्त झटका लगा हुआ है। अमेरिका को ही देख लीजिए आप लोग, अभी भी बुरी तरह से प्रभावित थे। यहाँ आपने एक शब्द सुना है, वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। इसमें अभी करंट मेंबरों की बात करें तो 189 हैं, और इसका हेडक्वार्टर है जो वॉशिंगटन डीसी में, यूनाइटेड स्टेट्स में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस तरह के वनडे एग्जाम में आपके क्वेश्चंस कई बार के पूछ लिए जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे भारत अनलॉक की दिशा में बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था की गति में वृद्धि देखी जा रही है। प्रमुख बिंदु, COVID-19 का झटका भारत को ऐसे समय में लगा है जब जब वित्तीय क्षेत्र पर दबाव की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले से ही सुस्ती थी। आप लोग देख रहे हैं, पहले से ही आपकी स्थिति खराब चल रही थी, लेकिन जितनी उसमें कमी थी, ये कमी किसने पूरी कर दी? कोरोना वायरस ने। दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था पर केंद्रित रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 4.8 से 5% तक फीसदी के बीच रही थी, 4.8 से 5% तक। और वैसे भी आपको पता हो, एक समय हमारा 7.4 तक पहुंच चुके थे हम लोग, 7.5, 7.3, और अब घट के कितनी की जा रही है, 1.5 और 2.8 की बात की जा रही है। COVID-19 की वजह से घरेलू आपूर्ति और मांग प्रभावित होने के चलते 2020-21 में आर्थिक वृद्धि दर घटकर 1.5 से 2.8% रह जाएगी। वैश्विक स्तर पर जोखिम बढ़ने के चलते घरेलू निवेश में सुधार में भी देरी होगी। रिपोर्ट कहती है कि अगले वित्त वर्ष यानी कि 21-22 2021-22 में COVID-19 का प्रभाव समाप्त होने के बाद अर्थव्यवस्था 5% की वृद्धि दर्ज कर सकेगी। हालांकि इसके लिए भारत अर्थव्यवस्था को वित्तीय और मौद्रिक नीति के समर्थन की जरूरत होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि एक समय के बाद कोरोना सामान्य हो जाएगा। जिस तरह से आप लोग एड्स के बारे में जानते हैं कि अब हम ज्यादा खतरा नहीं मानते उसे, तो इसी तरह ये भी नॉर्मल हो जाएगा, हमें जीने की आदत पड़ जाएगी इसी के साथ, ठीक है। अगर अन्य एजेंसियों की भी बात करें जिन्होंने अनुमान घटा दिया है हमारी अर्थव्यवस्था का, विश्व बैंक ने भी अन्य वैश्विक एजेंसियों के साथ सुर में सुर मिलाते हुए COVID-19 के को मद्देनजर रखते हुए वृद्धि दर का अनुमान घटाया है। एशिया विकास बैंक ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान घटाकर 4% किया है। कितना? 4%। फिलहाल इसने तो ठीक कहा। S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है, इनने भी वृद्धि दर के अनुमान को घटाकर 3.5% कर दिया है। फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर को 2% रहने का अनुमान लगाया है। आपको एशियाई विकास बैंक के बारे में अगर बात करें हम लोग, तो इसकी स्थापना आपकी 19 दिसंबर 1966 को हुई थी, और इसमें आपकी 68 कंट्रीज मेंबर हैं, 68 देश, ठीक है। इसका मुख्यालय आपको फिलीपींस में देखने को मिलेगा, ठीक है। इंडिया रेटिंग एजेंसी रिसर्च ने
चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर को अनुमान को घटाकर 5.5 से 3.6% कर दी है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने 2020 के कैलेंडर वर्ष में भारत की वृद्धि दर 2.5% रहने का अनुमान लगाया है। पहले उसके उसके इनके 5.3% रहने का अनुमान लगाया था। किसने? इसी ने, मूडीज ने। विश्व बैंक की जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया के 8 देशों की वृद्धि दर इस साल 1.8 से 2.8% के बीच रहेगी। 6 महीने पहले इसके उसने इसके 6.3% रहने का अनुमान लगाया था। उसे घटाकर आपका 1.8 से 2.8% रहने का अनुमान लगाया। हालांकि कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आगामी वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में अर्थव्यवस्था में सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। इसके लिए अर्थशास्त्री आर्थिक बहाली के आदर्श आकार पर बहस कर रहे हैं। आर्थिक रिकवरी का आकार, जेड आकार की रिकवरी, यह सबसे आशावादी परिदृश्य होता है। इसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद तेजी से वृद्धि देखी जाती है। आर यानी कि जेड प्रकार का चार्ट दर्शाता है कि हालात के सामान्य होने से अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आता है, जैसे लॉकडाउन हटाए जाने के बाद खरीदारी में वृद्धि इत्यादि। बी आकार की रिकवरी, जेड आकार की बहाली के बाद अगला सबसे अच्छा परिदृश्य बी आकार की बहाली है, जिसे अर्थव्यवस्था अपने पूर्व अवस्था को प्राप्त करती है और सामान्य विकास की प्रवृत्ति रेखा पटरी पर वापस आ जाती है। इस प्रकार की प्रवृत्ति में आय और रोजगार स्थायी रूप से खत्म नहीं होते और आर्थिक विकास तेजी से ठीक हो जाता है। यू आकार की रिकवरी, यू आकार की बहाली में ऐसा परिदृश्य होता है जिससे अर्थव्यवस्था के गिरने, संघर्ष करने और कुछ अवधि के लिए कम विकास दर के बाद भी यह धीरे धीरे सामान्य स्तर तक वृद्धि करती है। इस प्रवृत्ति में लोगों की नौकरियों के ऊपर असर पड़ता है और लोगों की बचत में कमी देखने को हमें मिलती है। फिर आपकी डब्लू आकार की रिकवरी, डब्लू आकार की रिकवरी वाली प्रवृत्ति जोखिम युक्त होती है। इसमें विकास दर में कमी और वृद्धि तथा वृद्धि होती है तथा उभरने के बाद यह फिर गिरती है और पुनः वृद्धि करती है। इस प्रकार इसमें डब्लू आकार का चार्ट बनता है। जानकारों का मानना है कि अगर कोरोना महामारी की दूसरी लहर आती है तो इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। फिर आपकी एल आकार की रिकवरी, यह अर्थव्यवस्था की सबसे खराब स्थिति होती है जिसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद विकास निम्न स्तर पर पहुंच जाता है और यह लंबे समय तक ठीक नहीं हो पाता है। इसमें अर्थव्यवस्था वर्षों के बाद भी वर्तमान जीडीपी के स्तर पर को हासिल करने में विफल रहती है। एल आकार से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में स्थायी नुकसान होता है, यानी कि इकाई गिर के स्थायी बना रहना एल। चुनौतियों की अगर हम बात करें, कोविड-19 के कारण चीन से होने वाले आयात के प्रभावित होने से स्थायी और बाहरी आपूर्ति श्रृंखला के संदर्भ में चिंताएं बढ़ी हैं। सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे प्रयासों ने से औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हुआ है, क्योंकि आपने देखा है पूरी तरह से ठप्प जो भी आपके उद्योग संगठन थे सब बंद पड़े हुए थे। लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी बढ़ी है जिससे सार्वजनिक खर्च में भारी कटौती हुई है। लॉकडाउन के कारण कच्चे माल की उपलब्धता, उत्पादन और तैयार उत्पादों के वितरण की श्रृंखला प्रभावित हुई है, जिसे पुनः शुरू करने में कुछ समय लग सकता है, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब काम ही नहीं चल रहा हो तो लोगों को रखने का क्या मतलब, तो उन्हें हटाया गया, उससे क्या हुआ कि उनकी बेरोजगारी बढ़ी हुई और जब आय नहीं होगी तो व्यक्ति खर्च क्या करेगा, समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए उत्पादन स्थगित होने के कारण मजदूरों का पलायन बढ़ा, ऐसी कंपनियों के लिए पुनः कुशल मजदूरों की नियुक्ति कर पूरी क्षमता के साथ उत्पादन शुरू करना एक बड़ी चुनौती होगी, जिसका प्रभाव अर्थव्यवस्था की धीमी प्रगति के रूप में देखा जा सकता है। खनन और उत्पादन जैसे अन्य प्राथमिक या फिर द्वितीयक क्षेत्र में गिरावट का प्रभाव सेवा क्षेत्र कंपनियों पर भी पड़ा है। जो सेक्टर्स बुरे दौर में से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे वहीं पर नौकरियों को भी सबसे ज्यादा खतरा होगा। अब आगे की राय क्या हो सकती है इसमें? भारत को तत्कालिक नीतिगत उपायों की आवश्यकता है जो न केवल महामारी को रोकने और जीवन को बचाने की दिशा में कार्य करे बल्कि समाज में सबसे कमजोर व्यक्ति को आर्थिक संकट से बचाने और आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में भी सहायक हो। भारत को सबसे पहले कोरोना महामारी को और फैलने से रोकना होगा, यह भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी को भोजन मिले सके,
इसके अलावा भारत को विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर अस्थायी रोजगार कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके साथ ही भारत को लघु एवं मझोले उपक्रमों को दिवालिया होने से बचाना होगा। तो ये कहानी थी आपके भारत के आर्थिक विकास की। और याद रखिए, अभी आपको अपना ख्याल अपने परिवार का खुद रखना है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सरकार अब अर्थव्यवस्था पर जोर दे रही है। उसने पूरी तरह से आपको आप पर छोड़ दिया है। आप अब सुरक्षा अपनी रखिए या ना रखिए, आप पर निर्भर है, ठीक है? क्योंकि आप केस देख रहे हैं कि बराबर बढ़ते जा रहे हैं, कि केसों में कोई कमी नहीं आ रही है। तो इसलिए खुद अपनी सेफ्टी रखिए, और सबसे बड़ी बात है कि अपने दिमाग पर इस तरह के प्रभाव ना पड़ने दीजिए कि हम बीमार हैं। आपने देखा है कि हम सोचने लगते हैं कि हम बीमार हैं, हम बीमार हैं, तो हम ज्यादा मतलब फीलिंग फील करने लगते हैं कि हम बीमार हैं, कोई कम काम करने का मन नहीं करेगा। तो इसलिए याद रखिए कि आप अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए इसे, ठीक?